यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी कौन है? गूगल के प्ले स्टोर पर यह गेम क्यों उपलब्ध नहीं है? क्या यह लीगल प्लेटफॉर्म है या इलीगल है? इसे खेलना सही है या गलत है? तो चलिए ऐसे अनगिनत सवालों के जवाबों के साथ आज की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बेटा तैयार हो जा, देखो ना फीवर है, ताऊ जी के फंक्शन में आप ही जाओ ना। अरे वाह, दिमाग लगाना है तो ड्रीम इलेवन पे लगाना। नमस्कार दोस्तों, भारत में से कई लोगों ने इस ऐप्स पर पैसा लगाया है और आप भी क्रिकेट के दीवाने होंगे तो आप भी इस फैंटेसी गेम ऐप्स पे पैसा लगाने को सोचते होंगे और पैसा लगा के करोड़पति बनने के सपने देख रहे होंगे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारत में सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले खेलों में क्रिकेट नंबर एक स्थान पर है। इसके 124.2 मिलियंस यानी के 12.42 करोड़ से अधिक प्रशंसक है, जो भारत में किसी भी अन्य खेल से काफ़ी अधिक है। भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल ही नहीं बल्कि इसे एक धर्म भी माना जाता है और लोग इस खेल की पूजा करते हैं। भारत में क्रिकेट के इतने दीवाने हैं कि भारत पाकिस्तान या फाइनल मैच पर मानो भारत बंद का ऐलान हो। यहाँ क्रिकेट के इतने दीवाने हैं कि आपको हर घर हर मोहल्ला में वह मिल जाएंगे और क्रिकेट का इतना नॉलेज रखते हैं कि मैच देखते वक्त क्रिकेट दीवानों की चर्चा सुनने लायक होती है कि इस खिलाड़ी को ऐसा खेलना चाहिए, यहाँ गलत फील्डिंग थी या थोड़ा जोर से मारा होता तो सिक्स ही होता, उसे रन लेने के लिए दौड़ना नहीं था, यहाँ गलती कर दी, अरे यार मत दौड़, यह तो मिस फील्डिंग ही करता है, इसको टीम में रखना ही नहीं था, उसको बैटिंग के लिए भेजना था। कौन जीतेगा? भले ना हमें ठीक से बल्ला पकड़ना भी आता हो पर एक महान क्रिकेटर के जैसे खुद को क्रिकेट का बड़ा एक्सपर्ट समझते हैं और क्रिकेट देखते वक्त सब अपना अपना सॉल्यूशन देते रहते हैं और अपनी इच्छा के मुताबिक खिलाड़ी खेले तो खुश होकर खिलाड़ियों को शाबाशी देते हैं और इच्छा के विरुद्ध में अगर खिलाड़ी खेलता है तो बस इतना गुस्सा निकालते हैं कि बस पूछो मत। भारत में IPL मानो के पूरा भारत का ध्यान केंद्रित करता है और ड्रीम इलेवन ने क्रिकेट दीवानों की इस नस को कस के पकड़ ली है और यह साल ड्रीम इलेवन इसका पूरा लाभ उठाएगी। ड्रीम इलेवन को 2008 में हर्ष जैन, जो अमेरिका से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करके भारत में आए थे, जो भारतीय व्यवसायी आनंद जैन के बेटे हैं और भारत के कुछ सबसे अमीर युवा अरबपतियों में से एक है और भाविन सेठ, वरुण डागा द्वारा स्थापित किया गया है। ड्रीम इलेवन शुरू में फ्री प्लेटफॉर्म था जहां अपनी टीम बना के खेल सकते थे, उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से गेम खेल सकते थे और कंपनी को जब आप गेम खेलते थे तब वो एक एड चला के अपनी कमाई करती थी, बट कंपनी का यहाँ मॉडल काम नहीं करता था और बाद में कंपनी ने सोचा कि भारत में क्रिकेट और पैसों का जबरदस्त कनेक्शन है, लोग किसी न किसी तरीके से बैटिंग जरूर किया करते हैं चाहे वो इलीगल ही क्यों ना हो, इसीलिए कंपनी ने ड्रीम इलेवन का मॉडल बदलकर एक नया रास्ता चुना। 2012 में उन्होंने क्रिकेट प्रशंसकों के लिए भारत में प्रीमियम फैंटेसी खेल पेश किया जिसमें आप पैसा लगाकर ज़्यादा पैसा जीतो और दिमाग से खेलो, मगर इसमें कंपनी का कोई प्रोडक्शन नहीं था, ये तो फैंटेसी गेमिंग कंपनी है और भारत में लगभग IPL 2023 में इस गेमिंग में 20 करोड़ से ज़्यादा लोग खेलेंगे। इस वक्त ऐसी 300 से ज़्यादा कंपनियां इस क्षेत्र में काम कर रही है और उसमें ज़्यादातर युवा ही खेलने वाले होंगे क्योंकि यही वो दिखने में आसान और शॉर्ट रास्ता दिखता है जो रातों रात आपको करोड़पति बनने के सपने दिखाता है, वो भी बिना मेहनत किए। ऐसी गेम से भारत में युवाओं की सोच में क्या असर पड़ेगा और इससे देश को फायदा होगा या नुकसान, एक गंभीर सोचने वाली बात है। ड्रीम इलेवन का बिजनेस मॉडल क्या है? ड्रीम इलेवन का बिजनेस मॉडल किसी एक लिंग में अपने 100 रुपये लगाकर अपनी टीम बनाइए और समझो इसमें 1 करोड़ लोगों ने भाग लिया, यानी कंपनी को 1 करोड़ मल्टीप्लाई 100 यानी कि 100 करोड़ जनरेट हुआ। इसमें कंपनी 20% यानी 20 करोड़ अपने प्रॉफिट के हिसाब से रख लेंगी और बाकी के 80 करोड़ जो कंपनी टॉप 50 को रेशियो वाइज बांट देंगी। इस साल कंपनी ने 50 करोड़ विनिंग की एड भी दिखाई है। यहाँ पर एक सवाल होता है कि ड्रीम इलेवन क्रिकेट में पैसा लगवाती है तो यह लीगल कैसे हो गई? एक व्यक्ति ने इस गेम में 50,000 गवा दिए और उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस कंपनी को सबक सिखाऊं। उसके बाद उस व्यक्ति ने 2017 में कंपनी के खिलाफ भारतीय उच्च न्यायालय में मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ड्रीम इलेवन गेम खेलने में बेहतर ज्ञान, निर्णय और ध्यान शामिल है। न्यायालय ने यह भी
माना कि कौशल्य के तत्व का ड्रीम इलेवन गेम के परिणाम पर एक प्रमुख प्रभाव था। हालांकि असम, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे कुछ भारतीय राज्यों में कानून फैंटासी खेलों की अनुमति नहीं देता, इस फैसले को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने अपील खारिज कर दी थी। इसे कौशल्य का खेल घोषित किए जाने के बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि कंपनी देश के नियामक ग्रे एरिया में काम करती है। ड्रीम इलेवन केस तो जीत जाता है, मगर मार्केट में पूरी तरह से नाम बेटिंग प्लेटफॉर्म से जोड़े जाते थे। इसी इमेज को चेंज करने के लिए 2020 में महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और आपको उनकी टैगलाइन भी याद होगी, खेलो दिमाग से। यही कारण है कि ये चल रही है। ड्रीम इलेवन भारत में स्थित एक भारतीय फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है, जिसमें उपयोगकर्ता फैंटेसी क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और बास्केटबॉल खेल सकते हैं। अप्रैल 2019 में ड्रीम इलेवन यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय गेमिंग कंपनी बन गई है। यूनिकॉर्न क्लब यानी कंपनी के वैल्यूएशन 1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो जाती है। इस शब्द को पहली बार वेंचर कैपिटलिस्ट एलिन ली द्वारा 2013 में गढ़ा गया था। ड्रीम इलेवन का गेमिंग एप्स गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गूगल अपने प्लेटफॉर्म पर कैश कॉन्टेस्ट ऑफर करने वाली एप्स को अनुमति नहीं देता। एप्स को केवल ड्रीम इलेवन की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि सट्टा किसे कहते हैं? बिना काम किए या दिमाग लगाए सब कुछ लक के भरोसे पैसा लगाया जाए उसे ही सट्टा कहते हैं। जैसे कि लॉटरी डालना, घोड़े की दौड़ पर पैसा लगाना, क्रिकेट मैच, इलेक्शन पर पैसा लगाना, कैसीनो में जुआ खेलना, सब सट्टा में आता है। ड्रीम इलेवन कंपनी का रेवेन्यू 2020 में 1670 करोड़ और 2021 में 2554 करोड़, 2022 में 3840 करोड़ और कंपनी की वैल्यूएशन 8 बिलियन से ज़्यादा है और प्रॉफिट 2020 में 104 करोड़, 2021 में 327 करोड़ और 2022 में 142 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। आप यही सोचते होंगे कि 2021 के मुकाबले 2022 में प्रॉफिट क्यों घट गया, मगर यहाँ कंपनी का प्रॉफिट गिरा नहीं, मगर कंपनी ने और प्रॉफिट के लिए मार्केट में खर्चा किया। अभी आपको आईपीएल में ड्रीम इलेवन की एड देखने को मिलेंगी, ज़्यादा लोग इसे जुड़ेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट भी ज़्यादा बढ़ेगा। ड्रीम इलेवन के यूज़र 2014 में 1 मिलियन थे, 2016 में बढ़ के वो 2 मिलियन हो गए, 2018 में 3.8 मिलियन हो गए और 2023 में 160 मिलियन हो जाएगी। ड्रीम इलेवन खेलने वाले पैसा कमा रहे तो इसमें बुरा क्या है, मगर यह गेम एक बार खेलने से आपको इसका चस्का लग जाएगा और आपको इसका एडिक्टिव बनाने के लिए इसकी एंट्री फी बहुत कम यानी 10, 20, 50, 100 रुपये रखी है, जो आपको इसका एडिक्टिव बनाएगा और बाद में आप ज़्यादा रकम लगाने पर मजबूर हो जाओगे। इसलिए इस गेम की एड में भी बार बार बताया जाता है कि इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। क्या ड्रीम इलेवन खेलना सही है या गलत? मेरे अनुसार ड्रीम इलेवन खेलना सरासर समय की बर्बादी है। बेहतर है कि आप कुछ उत्पादक या कुछ ऐसा करें जो आपको पसंद हो। खेल में फाइनेंशियल रिस्क शामिल है और एक आदत हो सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पैसा जीत सकते हैं, लेकिन जीतने की संभावना बहुत कम है और इसमें बहुत समय भी लगता है और जो पैसा जीतते हैं वह भी बहुत कम होगा। ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में आप अपना पैसा डुबा भी सकते हैं। आज के ज़माने में दुनिया में हजारों नहीं बल्कि लाख प्रोडक्टिव ऑप्शन हमारे सामने है, जिसकी बदौलत हम पैसे कमा सकते हैं। तो हमें ड्रीम इलेवन जैसी एप्स में पैसा और अपना दिमाग साथ में अपना कीमती समय लगाना किसी भी तरीके से सही नहीं लगता। क्रिकेट की नॉलेज तो भारत में ज़्यादातर लोगों के पास है, मगर दिन में 100-200 रुपये के लिए और वो भी मिलेगा या नहीं, तो अपना समय किसी और स्किल में लगाएंगे तो फाल्गुनी नायर, कुणाल शाह, वैभव गुप्ता की तरह हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों कमा पाएंगे। बाकी ऐसी एप्स के उपयोग के बारे में हमारी सरकार न्यायालय को फिर से एक बार सोचना चाहिए या नहीं, इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।